नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आम की चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने किस तरीके से बनाया है आम की चटनी, आइए देख लेते हैं। ये दो आमों को हमने धोकर के रख लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती, पुदीना, नमक स्वाद के अनुसार, और ये थोड़ा सा हमने गुड़ लिया है इस तरीके से फोड़ करके, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा और दो हरी मिर्ची। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो हम पहले इन दोनों आमों को छील लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने एक बर्तन ले लिया है और हम इसी में कट करेंगे। तो इस तरीके से हम कट कर लेंगे आम को। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से कट कर लिया है। अब इन्हें धो लेंगे थोड़ा सा। ये मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जीरा, मिर्ची, धनिया की पत्ती, पुदीना के पत्ते, इसको भी हमने धोकर के रख लिया था, और यहीं पे डाल देंगे गुड़। अब डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और आम। अब डाल देंगे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्ची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन हम लोग तीखा कम खाते हैं। और अगर आपको गुड़ नहीं डालना है तो गुड़ ऑप्शनल है। थोड़ी सी मिक्सी चला दी थी और इसे हम मिला लेंगे। अभी पानी नहीं डाला था, अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, लेकिन बहुत ही कम पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए 2 चम्मच हमने पानी ऐड करा है, ज़्यादा नहीं। और अब इसे फिर से पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी पीस चुकी है, अब हम इसे चला लेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी बन जाती है और सभी को बहुत पसंद आती है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बनाने के लिए। वो देखिए जो हमने खड़ा जीरा डाला था वो भी पूरा अच्छी तरीके से इसमें पीस चुका है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हमारे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी बहुत ही चटपटी आम की चटनी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।